IPS, IAS और सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर के बाद कमलनाथ सरकार का अजब गजब कारनामा सामने आया है। सरकार ने फरमान जारी करते हुए 46 कुत्तों और उनके हैंडलर्स की तबादला सूची जारी की है। मध्य प्रदेश पुलिस की 23वीं वाहनी विशेष सशस्त्र बल में 46 डॉग हैंडलर के ट्रांसफर के आदेश जारी हुए हैं। इनमें स्नीफर, नार्को और ट्रैकर डॉग शामिल हैं। सीएम कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा से डफी, बैतूल से रेणु, होशंगाबाद से सिकंदर और सतना से मॉस्को स्नीफर डॉग को भोपाल के सीएम हाउस भेजा गया है। वहीं होशंगाबाद से सिकंदर और बैतूल से रेणु नाम के दो श्वानों का भी भोपाल के सीएम हाउस में ट्रांसफर किया गया। कुत्तों की तबादला सूची आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हल्ला बोला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह खुद मैदान में कूद पड़े और कहा कि कमलनाथ सरकार इंसानों के बाद जानवरों के तबादलों में व्यस्त है। बीजेपी के मुताबिक डॉग ट्रेनों के तबादले किए गए हैं, वे भी पैसों के चलते किए गए हैं, जल्दी उनका दोबारा ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं कुत्तों की ट्रांसफर लिस्ट विवादों में आई कमलनाथ सरकार का कहना है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे बीजेपी राजनीतिक रंग देना चाह रही है। विगत कुछ वर्षों से पुलिस लाइन छिंदवाड़ा में विभिन्न ड्यूटियों के लिए दो डॉग हमारे पास थे, जिसमें से एक डफी जो कि 2011 से यहाँ पुलिस लाइन छिंदवाड़ा में पदस्थ है, और एक और मेघा जिसके हैंडलर 30 वो ट्रैकर है और डफी स्नेफर डॉग है। अभी ज्ञात हुआ है कल कि डफी का और मैं हैंडलर स्थानांतरण माननीय सीएम हाउस भोपाल के लिए हुआ है, और जैसे ही आदेश आएगा उनको वहाँ से रवाना किया जाएगा यहाँ से, और सीएम हाउस से एक दूसरे डॉग हैंडलर अमित उनके साथ में उसका स्थानांतरण यहाँ हुआ है, जिसकी सेवाएं ली जाएगी। जो नया आने वाला डॉग था उसका नाम लीना। सर छिंदवाड़ा से जो डॉग है कितने डॉग हैं ट्रांसफर में? ये दो डॉग हैं अभी हमारे पास, जो कि विभिन्न VIP ड्यूटियों और विभिन्न जो संवेदनशील ड्यूटियां रहती हैं उसमें स्नैपर डॉग जो कि बम आदि और अन्य एक्सप्लोसिव की खोज के लिए जानकारी रूप से पकड़ने के लिए काम आते हैं, और एक ट्रैकर है जो कि मेघा है, तो वो चोरी और इस तरह के अन्य वारदातों में आरोपियों को पकड़ने का कार्य करते हैं। ये दोनों अभी हैं, इनका पुलिस लाइन कैंपस में रहते हैं, डॉग हैंडलर इनका नियमित रूप से अपना प्रशिक्षण देते हैं, और जो परेड होती है मंगलवार और शुक्रवार को नियमित परेड जो होती है जनरल परेड, उसमें ये सभी शामिल होते हैं, इनका देखभाल की जाती है और इनका रखा जाता है। अब सरकार भले ही इसे एक सामान्य प्रक्रिया बता रही हो, लेकिन 15 साल बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज हुई कांग्रेस सरकार में अफसरों के ताबड़तोड़ तबादलों के बाद जानवरों का तबादला बताता है कि MP वाकई में गजब है। डॉग हैंडलर का मेल मिलाप बहुत तगड़ा होता है, और अपने बच्चे जैसा उसको लाइफ करना पड़ता है, और जब अपना ट्रेंड कर लेता है वो उसको पूरा 9 महीने की ट्रेनिंग पाने के बाद इसकी जिलों में पोस्टिंग होती है, वो पोस्टिंग के बाद इनकी जो बताई हुई RI SP द्वारा वो ड्यूटी करती हैं। जब एक हैंडलर का तबादला होता है तो उसके साथ वो डॉग भी जाता है, क्या ये माना जाए कि क्योंकि वो उसके कमांड को समझ पाता है? ये जो पढ़ाई लिखाई कराते हैं वो मास्टर उसकी समझता है, और जो उसकी परामर्श करता है उसको खाना माना देता है, लाइव करता है वो उसकी बात को।